हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। भाई मालदीव्स एक ऐसी जगह है जो एक बहुत ही बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट है और इस जगह पर हम में से हर कोई एक ना एक बार जिंदगी में जरूर आना चाहता है। मैं मालदीव्स के ऐसे ही एक रिजॉर्ट के वाटर विला के पास खड़ा हूं और मालदीव्स की फैसिलिटी और यहां की हॉस्पिटैलिटी पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। बट क्या मालदीव्स वर्थ इट है आना? जी हां, ये सवाल हम मालदीव्स आने से पहले अपने आप से जरूर पूछेंगे कि मालदीव्स आना क्या आपके पैसे और आपके टाइम का सही यूटिलाइजेशन है, या फिर मालदीव्स बस एक हाइप बना रखा है लोगों ने एडवर्टाइजमेंट कर करके बढ़िया बढ़िया शूट्स और रील्स बना के। क्या मालदीव लोगों ने खाना का फेमस कर रखा है, या फिर सच्ची में यहाँ पर आने के बाद आपको एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा। आज इस वीडियो में हम मालदीव घूमने के कुछ सबसे अच्छी बातें और सबसे ज्यादा बोरिंग बातें डिस्कस करेंगे कि भैया मालदीव जाना क्यों फेमस है और क्यों फेमस नहीं है, और मालदीव जाने के बढ़िया मेरिट पॉइंट कौन से हैं और सबसे बड़े डीमेरिट्स कौन से हैं। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना, और आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बस दबाएं लाल बटन के बाद आप घंटे के निशान के साथ दबा सकते हैं ऑन नोटिफिकेशन। जी हां, मालदीव जो एक इतनी बढ़िया टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है जहां हर कोई घूमने आना चाहता है, क्या मालदीव जाना इतना वर्थ इट है भी या नहीं? आज इस वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस करेंगे, मालदीव जाने की कुछ ऐसी बातें जो आपको मालदीव जाने के बाद बहुत अच्छी लगेंगी और कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको अच्छी ना लगे। ये सारी बातें बिल्कुल अनबायस्ड होकर हम आपके सामने खोल के रख देंगे, जिसमें हम शुरू करेंगे मालदीव की सबसे बढ़िया बातों से और लास्ट में हम आपको बताएंगे मालदीव में आने के कुछ डीमेरिट्स। तो हम शुरू करते हैं मेरिट्स ऑफ मालदीव ट्रिप में, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 1 अलेजर ट्रिप। गाइस, सबसे पहला और सबसे बढ़िया पॉइंट होता है ना भैया इन जगहों पे, इन रिजॉर्ट पे आने का, ये है लेजर टाइम स्पेंड करना। भाई साहब, आप बस 4 दिन के लिए सब कुछ दुनियादारी भूल के अपनी बुकिंग करके ऑल इंक्लूसिव प्लान लेके इन जगहों पे आ सकते हो, जिसमें आपको खाना पीना रहना सब मिलेगा। बस सुबह उठो, अपना ब्रेकफास्ट करो और ऐसे पूल साइड पर आकर पूरे दिन रिलैक्स करो, खाओ पियो और ऐश करो। ये जो अगर आपको लेजर ट्रिप मारना है ना, तो आप मालदीव जैसी जगह पर ही मार सकते हो। इससे अच्छा लेजर ट्रिप आई डोंट थिंक कहीं और लग सकता है। तो सबसे पहला इसका प्लस पॉइंट यही है कि यहाँ आपको रिलैक्सेशन अच्छा सा मिलता है और लेजर ट्रिप मारने का सबसे बढ़िया जगह है। जी हाँ, मालदीव उन जगहों में से है जहाँ लोग रिलैक्स करने आते हैं, लेजर करने आते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से एक छोटा सा ब्रेक लेने आते हैं। इसलिए मालदीव में आपको 2 तरीके का आइलैंड मिलेंगे, एक प्राइवेट आइलैंड और एक पब्लिक आइलैंड। प्राइवेट आइलैंड वो जगह जिसमें पूरा आइलैंड एक ही होटल ने एक्वायर करा होता है। अगर आप ऐसी जगह का होटल लेते हैं तो आपको वहाँ रहना, खाना और पीना तीनों इंक्लूडेड मिलता है, तो आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी, बस मालदीव के खूबसूरत नजारों का मजा लेना है और अपने 3 से 4 दिन दुनियादारी भूल के एक बहुत ही बढ़िया हॉलिडे स्पेंड करना है। ये है मालदीव आने का सबसे बड़ा फायदा। नंबर 2, कोरल्स ऑफ मालदीव्स। भाई अगली जो सबसे बढ़िया चीज आपको मालदीव्स के आइलैंड पे दिख सकती है वो है यहाँ के कोरल्स। भाई साहब, चाहे वाटर विला करें चाहे बीच विला, जो यहाँ की अंडर वाटर लाइफ है ना, जो आपको मालदीव्स में एकदम किनारे पे दिखती है, वो शायद आपको गोवा में भी नहीं दिखेगी और कहीं भी नहीं दिखेगी। मतलब यहाँ पर आपको नॉर्मली तैरते हुए छोटी वाली शार्क्स दिख जाएंगी, छोटी छोटी मछलियां सीबीज थोड़े बहुत यहाँ पे दिख जाएंगे जो कि हमें काट सकती हैं, हालांकि थोड़ा सा दर्द होता है, उसमें ज्यादा नहीं होता। और चलते चलते यहाँ पर आपको मेंटा फिश दिख जाएगी। भैया मेंटा वो नहीं होती, काइट जैसी फिश होती है, लंबे लंबे फिन होते हैं जिसके, वो बड़ी आराम से आपको तैरती हुई दिख जाएगी। मतलब अगर अपने वाटर विला में है और आपके पास स्नॉर्कलिंग गियर है, तो आप नॉर्मली समुन्द्र में जाकर पानी के अंदर पूरा कोरल देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगेगा। ये बहुत ही बेस्ट बात है मालदीव की। मालदीव आने के बाद जो दूसरी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी वो हो गए यहाँ के कोरल्स। जी हाँ, मालदीव्स की अंडर वाटर लाइफ बहुत ही ज्यादा रिच है, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि मालदीव्स के नॉर्मली अपने रूम से अगर आप यहाँ के कोरल्स पे नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही रेयर फिश नॉर्मली तैरते हुए दिख जाएगी। जी हाँ, ये नजारा शायद आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मालदीव्स के कोरल्स में आपको बहुत ही आराम से तैरती हुई दिखेंगी ये सारी रेयर मछलियां, जैसे शार्क फिश, मेंटा फिश, टेजर फिश, जेलीफिश, यहाँ के टॉर्टोइस और ऐसे बहुत सारी मछलियाँ। तो अगर आपको कोरल्स देखना पसंद है या फिर अंडर वाटर डाइविंग पसंद है, तो मालदीव्स आपके लिए सबसे बढ़िया जगह है। नंबर 3, वाटर विलास। तो गाइस, मालदीव्स का जो अगला सबसे अच्छा पार्ट है वो है यहाँ के वाटर विलास। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये यहाँ के वाटर विलास है। वाटर विला की सबसे खास बात ये होती है कि ये ऐसे पानी के लगून पे बना होता है, मतलब समुन्द्र के ऊपर पिलर्स के ऊपर ही वाटर विला टिका होता है और आपको पानी के ऊपर रहने का एहसास होता है। मालदीव्स सबसे ज्यादा फेमस ही अपने वाटर विलास के लिए है, तो आपको सबसे पहले दिखाता हूँ वाटर विला अंदर से कैसे दिखता है, क्या क्या फैसिलिटी है इसमें। लेट्स गो। अगली सबसे बढ़िया बात जो मालदीव में रहने के बाद आपको फील होगी वो होंगे यहाँ के रूम्स। मालदीव का सबसे बेसिक रूम का साइज भी बहुत बड़ा होता है और यहाँ के वाटर विलास तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस हैं। यहाँ के वाटर विलास वो विलास हैं जो कि बने होते हैं पानी के कोरल्स के ऊपर। जी हाँ, वाटर विलास से आप डायरेक्टली मालदीव के बेहतरीन लगून्स में गोते खाने जा सकते हैं। इसी के साथ साथ इन वाटर विलास के साथ आपको बाकी सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं, जैसे यहाँ का फ्री स्टैंडिंग टब, यहाँ के शॉवर, यहाँ के वाटर विलास से बेहतरीन व्यू और शांति। ये सारे
सारे फायदे आपको मालदीव्स के वाटर विला में रहने के बाद पता चलेंगे। नंबर 4, ऑल इंक्लूसिव पैकेज। तो गाइस एक और अच्छी बात है हमारे मालदीव्स में होटल लेने की कि आपको वहाँ पे ऑल इंक्लूसिव प्लान मिलता है। अभी ऑल इंक्लूसिव प्लान क्या है? ऑल इंक्लूसिव प्लान वो जिसमें आपको रूम के साथ साथ पूरे आइलैंड की सारी फैसिलिटी इंक्लूडेड मिलती है, जैसे यहाँ का खाना, यहाँ की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और यहाँ पे करने में सब कुछ, मतलब एक आइलैंड में आओ और आप उसके दिमाग बन जाओ, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड मिलता है। जैसे कि अभी मैं आया हुआ हूँ बुफे के खाने पे, एक नहीं तीन तीन चार चार कजिन एक साथ आपको मिलते हैं ऐसे खाने पीने की जगहों पे। देखते हैं इस जगह पे कौन कौन सा है। मालदीव्स के होटल जाने का एक और बड़ा फायदा है यहाँ के ऑल इंक्लूसिव पैकेज का। जब भी आप मालदीव्स के प्राइवेट आइलैंड में अपना रूम बुक कराते हैं तो वहाँ पे आपको कई सारे पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं जिसमें आप रूम के साथ साथ मालदीव्स की बाकी सारी फैसिलिटीज को भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे बढ़िया है यहाँ का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का बुफे। और यहाँ के ऑल इंक्लूसिव पैकेज में आपको सारी हार्ड ड्रिंक्स और उस आइलैंड में ऑफर किए जाने वाली सारी फैसिलिटीज भी मिलती है। इन प्लान्स की जानकारी कुछ इस तरीके से है। इसमें सबसे पहला प्लान होता है ओनली रूम, जिसमें आपको सिर्फ आपका रूम और रूम के अंदर की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है और पूरे आइलैंड में बाकी फैसिलिटीज के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा प्लान है रूम विद ब्रेकफास्ट, जिसमें आपको रूम के साथ साथ हर दिन के सुबह का ब्रेकफास्ट अवेलेबल मिलेगा, जो कि यूजुअली एक बुफे ब्रेकफास्ट होता है। तीसरा प्लान है हाफ बोर्ड प्लान, जिसमें आपको रूम्स के साथ ब्रेकफास्ट और एक समय का खाना यूजुअली डिनर मिलता है। हाफ बोर्ड प्लान वो लोग लेते हैं जो कि प्राइवेट रिजॉर्ट में रहने के बाद दोपहर में एक्सकर्शंस या फिर अलग अलग एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं, इसलिए उनको सुबह का ब्रेकफास्ट और सिर्फ रात का डिनर ही लेना पसंद है। अगला प्लान है फुल बोर्ड प्लान, जिसमें आपको अपना रूम मिलता है, उसके साथ मिलता है तीनों समय का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और यूजुअली ये तीनों मील्स बुफे सिस्टम के हिसाब से लगाई जाती हैं। और पांचवा और सबसे आखिरी प्लान होता है ऑल इंक्लूसिव प्लान, जिसमें आपको अपने रूम के साथ तीनों समय का खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स और हार्ड ड्रिंक्स और पूरे आइलैंड में की जाने वाली बाकी फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती हैं। जी हाँ, ऑल इंक्लूसिव प्लान में यूजुअली खाने के साथ साथ आपको हर तरीके की हार्ड ड्रिंक्स, आपके रूम का मिनी बार अनलिमिटेड एक्सेस के साथ अवेलेबल होता है, और उस रिजॉर्ट के प्राइवेट आइलैंड पे जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं यूजुअली ऑल इंक्लूसिव प्लान में अवेलेबल होती हैं। नंबर 5, the quietness। भाई अगली बात जो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है कि ये जगह ना बहुत क्वाइट है। भाई देखो ज्यादा क्राउड मिलेगा नहीं आपको यहाँ पर, हाँ सर्दियों में आओगे, हाई सीजन में आओगे तो बहुत क्राउड मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी शांति, लेजरनेस, क्वाइटनेस आपको यहाँ पे मिलेगी। ये शांति काफी अच्छी लगती है कई बार, मतलब हर बार शोर शराबा भीड़ भड़क का अच्छा नहीं लगता, कई बार आपको शांति चाहिए होती है, रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक चाहिए होता है, तो उसके लिए ये शांति भरी जगह है। ये मुझे मालदीव्स में बहुत अच्छी लगती है। मालदीव्स के रिजॉर्ट लग्जरी के साथ साथ एक और चीज ऑफर करते हैं, वो है आपकी प्राइवेसी, जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता और आप शांति से अपना हॉलिडे एंजॉय कर सकते हैं। मालदीव्स में काफी बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं और इतने बड़े रिजॉर्ट्स होने के साथ साथ आप कभी भी वो रिजॉर्ट ओवरक्राउडेड नहीं देखेंगे। बस आप अपने बीच विला या फिर वाटर विला पे आराम से लेटकर मालदीव्स के बेहतरीन बीचेस का मजा लें और कोई भी आके आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हालांकि बीचेस कभी प्राइवेट नहीं हो सकते और वहां कभी भी कोई भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट आइलैंड के बीचेस हैं इसलिए आपको पूरे दिन में बहुत कम ही लोग यहां पर आते जाते दिखेंगे। मालदीव्स में जितने भी रिजॉर्ट हैं उनके मोस्ट ऑफ द विलास एक दूसरे से थोड़े गैप में बनाए जाते हैं ताकि लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखा जा सके। शायद इसीलिए ही यहाँ के वाटर विलास और बीच विलास काफी फेमस हैं। नंबर 6, पैराडाइज फॉर हनीमूनर्स। गाइस एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है मालदीव्स में हॉलिडे करने का कि ये जगह हनीमूनर्स के लिए और फैमिली ट्रैवलर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एक्सोटिक डेस्टिनेशन है। आजकल आपको पता ही है कि मालदीव्स बहुत ज्यादा हाइप पे चल रहा है और अगर इंडिया में कोई भी शादी करता है तो उनकी पहली चॉइस हमेशा होती है कि हनीमून के लिए कहाँ है, मालदीव्स। वो इसलिए क्योंकि एक पूरी कंट्री ही आइलैंड कंट्री है और यहाँ पर उनको प्राइवेसी मिल जाती है, अच्छा मौसम, नीला पानी, साफ हवा, एक प्राइवेट बीच विला या फिर वाटर विला मिल जाता है और हनीमूनर्स के लिए यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट और स्पेशल ऑफर्स भी लगते रहते हैं, इसलिए हनीमूनर्स के लिए ये जगह सबसे बढ़िया है। इनफैक्ट अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ करने को मिलेगा, मजा आएगा, पूरे दिन मस्ती कर सकते हो फैमिली के साथ, तो भैया यहाँ अनलिमिटेड फन है। अगर आप मालदीव्स घूमने आना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने हनीमून पे, तो हमारे हिसाब से मालदीव्स सबसे इनक्रेडिबल जगह है आपके लिए। यहाँ के बड़े बड़े रूम्स, किंग साइज बेड, पूरे आइलैंड में प्राइवेसी, ऑल इंक्लूसिव प्लान और अनलिमिटेड हार्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स एक हनीमूनर्स के लिए आइडियल डेस्टिनेशन बन जाती है। एक तो हनीमूनर्स को यहाँ पे लेजर टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत समय मिलता है और दूसरा वो लोग यहाँ की लग्जरी को भी एंजॉय कर सकते हैं। और क्योंकि मालदीव्स में पूरी दुनिया के सबसे बड़े रिजॉर्ट्स और सबसे फेमस रिजॉर्ट्स हैं, इसलिए वो रिजॉर्ट हनीमूनर्स के लिए यहाँ कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया डिनर जिसमें आप अपने पार्टनर को चांदनी रात में मालदीव्स के बीच पे गोल्डन सैंड के ऊपर डिनर करा सकते हैं। इस अरेंजमेंट के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी हनीमूनर्स के लिए काफी फायदेमंद है। नंबर 7,
सेफ्टी। भाई अगली जो बढ़िया बात लगती है मुझे मालदीव जो रिजॉर्ट्स की कि वो है ना बहुत सेफ लगते हैं मुझे। एक बात बताओ भाई, सेफ क्यों नहीं होंगे? आप एक आइलैंड में आए हो, वो आइलैंड पूरा होटल का ही है, उसमें बाहर वाला कोई आ नहीं सकता। पूरे आइलैंड में चारों तरफ समुंदर है, आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी कोई चीज चोरी हो जाएगी क्योंकि रहेगी तो वो उसी आइलैंड में। इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कहीं कोई लड़ाई वड़ाई हो जाएगी क्योंकि बाहर का कोई बंदा है नहीं, सिर्फ होटल का स्टाफ है और यहाँ के गेस्ट है और कोई होता ही नहीं है। तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मालदीव के आइलैंड में मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम रेट भी बहुत कम है, क्राइम होता ही नहीं है, लोग ही इतने कम है तो क्राइम कहाँ से होगा। और आप पूरे आइलैंड में कहीं भी घूमो कुछ भी करो, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेफ रहते हो आप मालदीव के किसी भी रिजॉर्ट में अगर आप हो तो, प्राइवेट आइलैंड के। जी हाँ, मालदीव ओवरऑल एक सेफ कंट्री मानी जाती है और यहाँ पे अगर आप प्राइवेट आइलैंड में रिजॉर्ट ले रहे हैं तो आपकी सेफ्टी लगभग गारंटीड है, क्योंकि प्राइवेट आइलैंड में रिजॉर्ट की बुकिंग कराने के बाद उस आइलैंड में सिर्फ उसी रिजॉर्ट के गेस्ट आपको देखने को मिलेंगे या फिर होगा वहाँ का स्टाफ, इसलिए उस आइलैंड में जनरल पब्लिक को आना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपकी सेफ्टी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट इन आइलैंड्स में रूम लेने के बाद आप पूरे आइलैंड में कहीं भी घूम सकते हैं और आपकी सेफ्टी लगभग गारंटीड है। मालदीव के ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट रिजॉर्ट इस सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। अब ये थी मालदीव्स की वो बातें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको मालदीव्स में शायद बिल्कुल ना पसंद आए। लेकिन उससे पहले, जब भी आप मालदीव्स जैसी डेस्टिनेशन घूमने जाते हैं तो अपने कपड़े और सामान बहुत बड़े बड़े बैग्स में पैक करके लेके जरूर जाते हैं। अगर आपको एक ऐसा बैग मिल जाए जिसमें एक छोटे से बैग में ही आपका सारा सामान आ जाए तो कैसा रहेगा, आइए हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा ही बैग। सो गाइस, आज हम आपको एक ऐसा बैग इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं जो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप चाहे लंबे सफर के लिए जा रहे हो चाहे छोटे सफर के लिए, एक जने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये बैग। कैरी प्रो का होबो 25 बैग आपके इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, आपके कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, कैमरे से लेकर टॉयलेटरीज तक, यहाँ तक कि आपकी जूते चप्पल और ऐसे सामान जो आप अपने लगेज में कभी नहीं रख सकते वो इस बैग में आ सकते हैं सेफली। सबसे पहले कैरी प्रो का सबसे फ्रंट कंपार्टमेंट है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका मोबाइल फोन हो या आपके अलग से ईयरपॉड्स, आपका कैश हो या आपका वॉलेट, या आपको अपने क्रीम तेल कंघा अलग से रखना हो तो आप इस फ्रंट कंपार्टमेंट में आराम से रख सकते हैं। भाई दूसरा जो इसका कंपार्टमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है इसका मेन कंपार्टमेंट, जिसको खोलना बहुत ही आसान है। अगर आप ये ज्यादा भर भी दे तब भी एक्स्ट्रा कैपेसिटी के लिए और भी खुल जाता है। पूरा खुलने के बाद इसमें आप अपने हर तरीके के कपड़े रख सकते हैं, कम से कम 5 से 6 दिन के कपड़े इस बैग की पूरी कैपेसिटी है रखने के लिए। और इसी के अंदर आपको एक सीक्रेट पॉकेट भी मिलेगी, ये पॉकेट और भी तरीके के लिए यूज हो सकती है। इस पॉकेट में आप अपनी वाटर बॉटल रख सकते हैं, जरूरी सामान जो आपको बिल्कुल हैंडी चाहिए वो आप इस पॉकेट में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें इलास्टिक है तो इसमें गिरता भी नहीं है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट अगर मैं आपको बताऊं वो है इसका साइड कंपार्टमेंट। इसमें सबसे अच्छी खास बात क्या है, ये अलग से कंपार्टमेंट दे रखा है और इसके अंदर आपको एक हार्ड केस दे रखा है। ये जो हार्ड केस है ये पूरा का पूरा हार्ड केस आपको काम आएगा आपके इक्विपमेंट रखने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आप अपना पूरा का पूरा कैमरा रख सकते हैं। और तो मैं अपना ट्राइपॉड और अपना फोन कैमरा ले जाता हूं, वो भी इसके अंदर आराम से आ गया, क्योंकि उसको सेफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें एक सॉफ्ट माइक भी होता है तो इस हार्ड केस से प्रोटेक्ट हो गया वो। अब जो इस बैग का आखिरी कंपार्टमेंट है, जो कि इसके पीछे का कंपार्टमेंट है, वो है इसका लैपटॉप का कंपार्टमेंट। जी हाँ, इस कंपार्टमेंट में आप लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका चार्जर या अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। और ये सारे कंपार्टमेंट से अलग है, इसमें एक्स्ट्रा कुशन दे रखा है तो आपकी सारी चीजें सेफ भी रहेंगी। तो भाइयों, मुझे ये बैग बहुत काम का लगा, मेरे अकेले के लिए ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है मेरे ट्रैवल का। तो अगर आप ये बैग लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और कैरी प्रो की वेबसाइट पे ये बैग जाके खरीद सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक से पहुंचे हैं तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा, अनुज प्रो कोड यूज करके आप अपनी पूरी शॉपिंग पे 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी ले सकते हो। तो अभी जाओ भाई, कैरी प्रो बैग खरीदो और कैसा लगा आपको ये बैग हमारे कमेंट में जरूर लिख के बताएं। आइए अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो कि आपको मालदीव में शायद बिल्कुल ना पसंद आए, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 1, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और भाई जो एक बात मुझे लगती है सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाली कि ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मालदीव आने का, कि मालदीव बहुत एक्सपेंसिव है। भाई मालदीव इतना एक्सपेंसिव है कि यहाँ पर अगर आप 4 से 5 दिन का ट्रिप मारोगे तो उतने पैसों में आप किसी और कंट्रीज के कम से कम 2 से 3 ट्रिप मार सकते हो। जी हाँ, अगर आप बैंकॉक जाओ, सिंगापुर जाओ, मलेशिया जाओ, इन तीनों ट्रिप में जितना पैसा लगेगा उतना आपका अकेला एक मालदीव में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट आइलैंड है, पूरा पूरा रिजॉर्ट बुक करते हो, ऑल इंक्लूसिव पैकेज लेते हो, नहीं लोगे तो मजा नहीं आएगा और ले लोगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसलिए सिर्फ हनीमून के टाइम ही ज्यादा लोग आना प्रेफर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पैसों को कोई नहीं देखता, मतलब लाइफ टाइम मेमोरीज बनाना चाहते हैं लोग। लेकिन ये एक पॉइंट है नेगेटिव बहुत बड़ा। जी हाँ, मालदीव का सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें लगा कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मालदीव में आप मिनिमम 3 से 4 दिन का ट्रिप तो बनाएंगे ही और पर हेड खर्चा आपका तकरीबन 60,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक जा सकता है। जी हाँ, अगर आप पब्लिक आइलैंड में होटल लेते हैं तो सिर्फ रूम ओनली बेसिस पे रूम लेकर, स्ट्रीट फूड का खाना खाकर और सबसे सस्ता ट्रिप अगर आप बना सकते हैं तो वो है 50 से 60,000
₹1,000 पर हेड का। तो कपल का खर्चा यहाँ पर हो सकता है तकरीबन ₹1,20,000 मिनिमम। अगर आप प्राइवेट आइलैंड का रिजॉर्ट लेते हैं और वहाँ पे मालदीव्स के सबसे फेमस वाटर विलास लेते हैं विद ऑल इंक्लूसिव प्लान, तो आपका 2.5 लाख से 4 लाख तक का खर्चा एक एवरेज खर्चा माना जाता है। और अगर आप एक हाई एंड लग्जरी होटल लेते हैं तो उस खर्चे की तो मालदीव्स में कोई लिमिट ही नहीं है। इसलिए मालदीव्स एक एक्सपेंसिव कंट्री है कवर करने के लिए। नंबर 2, नो अट्रैक्शंस। अब अगला ऐसा पॉइंट है भाई जो आप सुन के बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है। भाई अगर हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहाँ के हम सबसे बड़ी अट्रैक्शंस ढूंढ के जाते हैं कि हम क्या क्या घूमेंगे। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली कोई घूमने आया है तो वो दिल्ली का इंडिया गेट देखेगा, लाल किला देखेगा, दिल्ली में जो जो अट्रैक्शंस है वो घूमने जरूर जाएगा। मालदीव्स में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है भाई। जी हाँ, अगर आप मालदीव्स घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई अट्रैक्शन नहीं मिलेगी कि आप अपने होटल से वहाँ घूमने चले जाओ। घूमने चले भी जाओगे तो बोट से एक्सकर्शन चले जाओगे, समुद्र और आइलैंड देखने चले जाओगे, बस। ऐसा कोई स्पेसिफिक अट्रैक्शन नहीं है जो घूमते हैं, क्योंकि मालदीव्स में कॉन्सेप्ट ही है बस जाओ और होटल में रहो और अपना लेजर टाइम स्पेंड करो, खाओ पियो और मस्ती करो बीच पे। तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, घूमना फिरना है ही नहीं, जो करना है उसी होटल में करना है या अपने उसी आइलैंड पे करना है। सो अगला नेगेटिव पॉइंट है नो अट्रैक्शंस इन मालदीव्स। जी हाँ, मालदीव्स फेमस है अपने वाटर विलास के लिए और अपने होटल्स के लिए, वो अपने अट्रैक्शंस के लिए बिल्कुल फेमस नहीं है, क्योंकि मालदीव्स में ज्यादा अट्रैक्शंस है ही नहीं। मालदीव्स के सबसे फेमस जगह है वहाँ के प्राइवेट आइलैंड्स, और मालदीव्स का सबसे बड़ा पब्लिक आइलैंड है माले सिटी, और उस माले सिटी में आपको एक या दो अट्रैक्शंस देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा मालदीव्स में आप सिर्फ लेजर टाइम स्पेंड करने, खाने पीने और पार्टी करने आते हैं। ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आप टॉप अट्रैक्शंस ऑफ मालदीव्स ढूंढ सकें। नंबर 3, फ्री टाइम। भाई अगला पॉइंट जो है हमारा वो सबसे गड़बड़ बात लगती है मुझे मालदीव्स की, वो ये है कि यहाँ पर आपके पास ना भाई फ्री टाइम बहुत होता है। मतलब आप प्राइवेट आइलैंड में होटल बुक कर लो, 3 से 4 दिन तो कम से कम रहोगे एक जगह आना है तो 3 से 4 दिन में आप क्या क्या कर लोगे? आप वहाँ की स्विमिंग पूल में जाके मस्ती कर लोगे, खाना पीना खा लोगे जो कि आप हर रोज खाते हो, ठीक है, थोड़े बहुत गेम्स खोल लोगे, एक दिन वाटर स्पोर्ट्स कर लोगे। अब वाटर विला का भी सिर्फ एक ही दिन का मजा होता है, उसके बाद आपके पास पूरे दिन करने को है ही क्या? आप ना तो कहीं अट्रैक्शन पे जा सकते हो, जितने भी सारे एक्सकर्शन है या फिर और भी एक्टिविटीज है वो इतनी एक्सपेंसिव है कि आप करते हुए भी सोचोगे 10 बार यार मालदीव में इतना खर्चा हो गया और बाकी और क्या करें, यही मस्ती करते हैं। तो आपको पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे आप वेले बैठते हो, आपको खाली टाइम होता है आपके पास, कुछ भी करो। और जैसे कि पैसा खर्च करने से लगता है कि ज्यादा पैसा खर्च हो गया, इसलिए बस बैठे रहो, खाली बैठे रहो, यहाँ के नजारों का मजा लेते रहो। अगर आप अपने ऑफिस के काम से परेशान हैं, काम के प्रेशर से दबे हुए हैं, तो मालदीव आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह है घूमने के लिए। लेकिन अगर आप घूमने के मजे लेना चाहते हैं और आप मालदीव आए हैं तो आपके लिए एक बैड न्यूज है कि मालदीव में आपको घूमने को ज्यादा नहीं मिलेगा, इसीलिए आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम होगा। अपने रूम में बैठ के मालदीव्स के बीचेस आप कितनी देर तक देख लेंगे, खाना और ड्रिंक्स आप कितनी बार खा पी लेंगे, और यहाँ के इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स भी आप कितनी बार कर लेंगे, ये सब करने के बाद आपके पास बहुत सारा समय बचता है मालदीव्स में स्पेंड करने के लिए। और कभी कभी आप यहाँ पे बहुत बोर भी हो सकते हैं, इसलिए अगर मालदीव आ रहे हैं तो जितने दिन के लिए आ रहे हैं उस आइलैंड में आप पूरे टाइम क्या करेंगे इसका पूरा प्लान बना के लेकर आना। नंबर 4, नॉट फॉर सोलो ट्रैवलर्स। एक और जो सबसे गलत बात है जो मुझे मालदीव्स की ट्रिप पे लगती है वो है मेरे जैसे सोलो ट्रैवलर्स के लिए। एक सोलो अकेले बंदे के ट्रैवल करने के लिए मालदीव्स ज्यादा अच्छी जगह है नहीं भाई। हम क्या करेंगे पूरे दिन यहाँ पर? हम खाना खा लेंगे, थोड़ी बहुत मस्ती कर लेंगे, लेकिन कोई साथ में है नहीं तो अकेले कितना ही एंजॉय कर लेंगे हम लोग। तो सोलो ट्रैवल के लिए मालदीव्स अच्छा है नहीं। हाँ, मैं समझता हूँ कुछ लोग सोलो ट्रैवल ज्यादा करना पसंद करते हैं, अकेले घूमना पसंद करते हैं, उनके लिए ठीक है, लेकिन स्टिल मालदीव में आप एक दिन रह लोगे, दो दिन रह लोगे, करोगे क्या? 4-5 दिन का ट्रिप अगर मालदीव में बनाओगे तो ज्यादा कुछ है नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं है करने को, खाना भी वही खाओगे जो यहाँ पे होटल में मिलता है, तो इसलिए नॉट दैट गुड फॉर सोलो ट्रैवलर्स। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं और आपको अकेले घूमना पसंद है तो हमारे सजेशन के हिसाब से आप मालदीव्स बिल्कुल मत आना, क्योंकि हमारे हिसाब से सोलो ट्रैवलर्स के लिए मालदीव्स एक ठीक जगह नहीं है। अगर आप एक हनीमूनर्स हैं, आप कपल हैं या फिर आप अपनी फैमिली के साथ घूम रहे हैं तो मालदीव्स आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्टिक स्पॉट बन सकता है, लेकिन सोलो ट्रैवलर्स यहाँ पे शायद बहुत ज्यादा बोर होंगे। नंबर 5, ओवर हाइप्ड वाटर स्पोर्ट्स। भाई एक चीज जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं आती, एक और चीज, वो है यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स। क्यों भाई? वैसे तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वाटर स्पोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। इतने एक्सपेंसिव है क्योंकि आपके वो ऑल इंक्लूसिव पैकेज में भी इंक्लूड नहीं होते। कोई भी मोटराइज्ड वाटर स्पोर्ट्स आपके ऑल इंक्लूसिव पैकेज में इंक्लूड नहीं होता, जैसे कि जेट स्की हो गया, मोटर बोट होगी, पैराग्लाइडिंग होगी। और अगर आप अलग से करने चाहें यहाँ पर तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर एक जेट स्की आपको गोवा में 800 से 1,000 रुपए में करने को मिल रही है तो वो चीज यहाँ पर $125 की है, यानी तकरीबन 10,000 रुपए की। तो कहाँ 1,000 रुपए, कहाँ 10,000 रुपए। तो वाटर स्पोर्ट्स करना यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि यार बीच साइड एरिया है, वाटर स्पोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इसलिए ये एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा जो यहाँ का है। मालदीव फेमस है अपने कोरल्स के लिए, अपने नीले समुंदर के लिए और अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए, और मालदीव में बहुत सारे तरीके के वाटर स्पोर्ट कराए जाते हैं। मालदीव के प्राइवेट बीच रिजॉर्ट के वाटर स्पोर्ट्स में आता है सी सर्फिंग, कयाकिंग, स्नॉर्कलिंग, जेट स्कीइंग, सेलिंग, जेट सर्फिंग और अंडर वाटर डाइविंग। और मालदीव में बहुत सारे लोग ऑल इंक्लूसिव प्लान लेते हैं ताकि वो यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकें। लेकिन मालदीव्स आने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ के ऑल इंक्लूसिव प्लान में भी आपके सारे वाटर स्पोर्ट्स इंक्लूड नहीं होते। जितने भी
मोटराइज वाटर स्पोर्ट्स हैं जैसे कि जेट स्की, पैराग्लाइडिंग या फिर डीप वाटर डाइविंग, वो सब आपके प्लान में इंक्लूड नहीं होते। जो ऑल इंक्लूसिव प्लान में इंक्लूड होते हैं वो है स्नॉर्कलिंग के गियर्स या फिर कयाकिंग, जिसको चलाने में कोई भी मोटर यूज नहीं होती। तो मालदीव में आने के बाद यहाँ के वाटर स्पोर्ट करने ही तो बहुत लोग आते हैं, और आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके वाटर स्पोर्ट उनके प्लान में इंक्लूडेड ही नहीं है, और उनको अगर वाटर स्पोर्ट्स करने हैं तो उनको अलग से उसके पैसे देने पड़ेंगे, जो कि मालदीव में बाकी जगहों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा चार्ज किए जाते हैं। जी हाँ, अगर आप गोवा में अंडर वाटर डाइविंग करते हैं 3,000 रुपए में, तो वो आपको मालदीव में कराई जाएगी 5 से 10 गुना ज्यादा प्राइस में, जो कि है तकरीबन 20 से 25,000 रुपए। नंबर 6, नो शॉपिंग। एक चीज और है भाई, अब अगली चीज ये है कि अगर आप मालदीव आ रहे हो तो भाई घर पे से सब कुछ लेकर आना, कुछ भूल मत जाना। अगर आप वहां पर अपनी चप्पल भी भूल गए ना, तो यहाँ पर चप्पल खरीदने के जो पैसे लगेंगे वो बहुत ज्यादा है। 1,000 रुपए की चीज आपको यहाँ पे 10,000 रुपए की मिलेगी, 10 गुना ज्यादा महंगी चीजें हैं यहाँ पे। और ऐसे नहीं कि क्वालिटी बहुत ही बेटर है, ओरिजिनल है, इसलिए महंगी है। ये बस इसलिए महंगी है क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मोनोपोली चला रहे हैं यहाँ पे लोग। अगर आप प्राइवेट आइलैंड पे होटल लेते हैं, उनकी प्राइवेट आइलैंड वालों की अपनी शॉप होगी। खाना पीना खाने के बाद अलग से आपको अगर कोई भूख लगी और उससे आपने कुछ खाने के लिए लिया, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आप सोविनियर्स घर के लिए ले जा रहे हैं, एक फ्रिज मैग्नेट भी ले जा रहे हैं, तो नॉर्मली बाहर आपको फ्रिज मैग्नेट अगर 100 रुपए की मिल रही है, तो यहाँ पर $10 की मिलेगी कम से कम। ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है भाई। बहुत अगर आप ऑल इंक्लूसिव पैकेज नहीं लेते तो आपको बहुत खर्चा हो जाता है। मालदीव के ट्रिप पे आ रहे हैं और अपनी जरूरत का सामान अगर आप कुछ भूल गए, तो मालदीव में शायद आपको वो सामान खरीदने को ना मिले। जी हाँ, अगर आप मालदीव में प्राइवेट आइलैंड पे रिजॉर्ट ले रहे हैं, तो शायद आपको वहां पर सिर्फ एक सोवेनियर शॉप मिले जहां से आप घर के लिए गिफ्ट लेके जा सकते हैं, लेकिन आपका जरूरत का सामान शायद आपको मालदीव में खरीदने को नहीं मिलेगा, और अगर मिला तो वो आपको तकरीबन 10 गुना ज्यादा रेट पे मिलेगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मालदीव अगर जाओ तो सारा सामान साथ में बांध के जाओ। नंबर 7, नो कल्चरल एक्सचेंज। भाई एक और चीज जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मालदीव में आने के बाद, यहाँ पर ना भाई कल्चरल एक्सचेंज नहीं हो पाता। देखो भाई, बहुत लोग ना ट्रैवल करते हैं क्योंकि ना उनको लोगों से मिलने का शौक होता है। देखो अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगह के कल्चर पता चलते हैं, अलग अलग जगह का खाना टेस्ट करते हैं, पता चलता है कि अच्छा दूसरी कंट्रीज में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जीते हैं। तो ये कुछ लोगों को इस चीज की बहुत एक्साइटमेंट होती है। अगर आप मालदीव जा रहे हो तो आप मैक्सिमम टाइम अपने होटल में रहते हो, यही खाते हो, यही मस्ती करते हो, पूरे पूरे दिन यही रहते हो, क्योंकि मालदीव में कोई अट्रैक्शन तो है नहीं घूमने की, बाहर जाओ और करो ये सब, तो सब अपने होटल में ही होता है जो होता है। इस वजह से ना आपका कल्चरल एक्सचेंज नहीं हो पाता भाई। आपको पता ही नहीं चलता कि मालदीवियंस कैसे रहते हैं, उनका खाना क्या होता है, यहाँ का ऑथेंटिक फूड क्या होता है, क्योंकि होटल्स में आपको कॉन्टिनेंटल इंडियन एशियन कजीन मिलता है, मालदीवियन फूड तो कोई मिलता नहीं। अब मुझे पता भी नहीं यहाँ पे होता भी है या नहीं, मालदीव का अपना फूड कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन आई एम श्योर इसका एक अपना कल्चर तो होगा जो आपको ऐसे होटल्स में रहने के बाद पता नहीं चल पाता। ये भी एक पॉइंट मुझे बहुत नेगेटिव लगता है। नंबर 8, दी हीट। भाई जो सबसे बुरी बात लगती है मुझे मालदीव की, वो ये है भाई, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, बहुत ही सड़ी गर्मी पड़ी होती है। अगर आप हाई सीजन में आओ, वो भी सर्दियों में, तब जाके आपको थोड़ा सा खुशनुमा मौसम मिलेगा, लेकिन दोपहर में तब भी गर्मी होती है। और अगर आप गर्मियों में आ गए यहाँ पर, तो भाई साहब आपको भगवान ही बचाए। एक तो आप इतना पैसा खर्च करो, इतना टाइम वेस्ट करो, और उसके बाद क्या करो, गर्मी में जलो, और अगर गर्मी में नहीं जलना तो पूरे दिन होटल के रूम में पड़े रहो, ये गड़बड़ बात है। तो गाइस ये था हमारा मालदीव का एक्चुअल स्वॉट एनालिसिस, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमने आज डिस्कस करी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सवाल है तो हमारे कमेंट्स में लिखे, हम अपने हर कमेंट का सवाल का जवाब जरूर देते हैं। उसके बाद भी कोई सवाल रह जाए तो हर सैटरडे होने वाला हमारा लाइव सेशन अटेंड करें, हम उसमें आपके सवाल का जवाब दे देंगे, या फिर आप हमारा थैंक्स बटन या ज्वाइन बटन क्लिक करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ऐप के लिंक को क्लिक करके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही हमने मालदीव की पूरी कंप्लीट ट्रैवल गाइड भी बनाई है कि अगर आपको मालदीव घूमने आना है तो क्या करें, कहां बुकिंग करें, कितने का होगा, कौन कौन से पॉइंट्स आपको नोट करके रखने चाहिए, फैमिली के साथ, हनीमून कपल्स, सोलो आना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ आना चाहते हैं, सब कुछ उस वीडियो में हमने कवर किया है। तो हमारी वीडियो भी जरूर देखना, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमें ऐसे ही फॉलो करते रहे, हमारी वीडियोस देखते रहे। इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें, और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन